तो देखने वाले कृपया ध्यान दें, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इसलिए इसे एंटरटेनमेंट के लिए ही लीजिए। अगर ना लिया जाए फिर भी लेने की ट्राई कीजिए, कभी ना कभी तो ले लेंगे। क्योंकि आज हम ऐसे कुछ खाने के टैलेंट देखेंगे जिसे देखकर चाइना वाले भी अपने देश में दंगल मचा दे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो टैलेंट है कौन सा खाने के। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये बात तो माननी पड़ेगी कि चाइना वाले कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इनका बस चले तो अपने परिवार वाले को ही नमक मिर्ची डाल के कौन किसे खाने लग जाए ये भी नहीं मालूम। कुछ भी अरे चप्पल कौन खाता है बे? एक तो पहले से ही ये लोग ने हमारे रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया, क्यों? कोरोना फैला के और क्या। लेकिन अगर गलती से भी इस चप्पल खाने का ट्रेंड चालू हुआ तो हमें रेस्टोरेंट जाके पाव वड़ा खाना नहीं, इस चप्पल खाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ये सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिला। No! अरे अंकल जी आप कितना भी बोल लो, लेकिन जब तक आंटी का वीडियो नहीं बनेगा ये नहीं मानने वाली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आंटी फटाफट करेला खाए जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार भी अंदर चेक करे कि अंदर लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, रंगीन है। लेकिन नहीं, अंदर जाए कुछ भी हो, एनाकोंडा भी क्यों ना हो, लेकिन हमको खा के ही रहेंगे करेला। साला हमें तो खाने का दूर, करेला को खाली एक बार देख भी ले फिर भी हमारा मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं उसके लिए आपका दिल एकदम फ्रेश होना चाहिए, और अगर आपका दिल फ्रेश नहीं है तो उसे फ्रेश करो, और अगर आप में दिल ही नहीं है तो जरूर देखो इसे। कहाँ गया भाई, लाओ जल्दी उसे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे मेरे नादान, खा ले थोड़ा पान, हो जाएगा धनवान। लेकिन ये क्या मिर्ची, ये खाने की क्या जरूरत है? अच्छा सस्ता है इसलिए, महंगा नहीं है ज्यादा इसलिए। ये जोश जोश में तो रजनीकांत तो जरूर बन गया, लेकिन कल सुबह क्या होगा ये ना इसे मालूम ना हमें मालूम, इसे जरूर मालूम होगा। आगे तो पिछवाड़े में लाल बत्ती जलेगी रे बाप। तो खाने से पहले मुंह ऐसा बना नहीं था तो खाने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं हम नहीं मानेंगे। A few moments later. अरे बेटा बालक, खा लेता रहा कच्चा पालक। लेकिन ये क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों वीडियो में ये मुंह से नहीं गाल से खा रही है, ये कौन सा लॉजिक है? और अगर लॉजिक है तो ये गाल से क्यों खा रही है? तो तेरे बाप क्या जाता है? देखो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे नींबू खाओ या ऐसे कच्चा आटा खाओ, यहाँ पे फर्क इस बात का पड़ता है कि आप खाना वेस्ट ना करो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, और हम जैसे लोगों को तो खाना नसीब हो रहा है। अगर ये वीडियो उन लोगों ने देख ली जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पे क्या बीती होगी। तो बस अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट फूड, सेव फूड, ऑल इज फूड, ऑल इज वेल। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कर देना, दिल से शेयर कर देना, दिल से कमेंट कर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, सी यू।